शहर में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरुका सहित भाजपा कार्यकर्ता जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के निवास स्थान पहुंचे और ज्ञापन दिया। शहर विधायक संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष संजय नरुका ने अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा को बताया कि शहर के हर वार्ड में पानी की समस्या है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 5 दिन में पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जी सर, अलवर शहर में जिस प्रकार से पेयजल व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मैं जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के पार्षदगण, सभी पदाधिकारीगण लगातार, चाहे वो AEN हो, चाहे JEN हो, चाहे एक्शन हो, हमारे पार्षदगण तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे BJP का हो, चाहे निर्दलीय हो, वो लगातार एक्शन ऑफिस जा करके समस्याओं के बारे में ध्यान भी दे रहे हैं। हम सब भी टेलीफोन के माध्यम से बार बार एक्शन हो, SC हो, एडिशन चीफ हो, AEN जिन लगातार संपर्क में रह के पानी की व्यवस्था लगातार सुधारने के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं। इसके साथ साथ 35 बोरिंग भी राज्य सरकार के माध्यम से सैंक्शन कराई, MLA लैड की बोरिंग भी दी, सोलर लैड की बोरिंग दी, सोलर वाली जो बोरिंग थी वो भी दी। उसके साथ साथ अमृत की जो योजना है उसको भी हमने लगातार प्रयास किया कि वो जल्दी से जल्द शुरू हो और आम जनता को राहत मिले। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जिस प्रकार से अलवर शहर में विशेष रूप से पानी की जो व्यवस्था हुई है उसको लेकर के आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना जैसे कालखंड में भी जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जब आम जन उनको फ़ोन करता है पेयजल समस्या को लेकर के, वो फोन नहीं उठाते, जिसके कारण आम जनता को सड़कों पर आना पड़ता है और पेयजल जो जलदाय विभाग का ऑफिस है वहाँ जाना पड़ता है। और जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में लगातार पानी की व्यवस्था कमी को देखते हुए पानी जो जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा उसको लेकर के आमजन परेशान है, आज हम सब लोग माननीय जिलाध्यक्ष संजय नरुका जी के नेतृत्व में, आज माननीय जिला कलेक्टर जी के निवास पे आकर के माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें मांग करी है कि अलवर शहर में जो पेयजल व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है उसको शीघ्र अतिशीघ्र ठीक किया जाए और उसके साथ साथ प्रतिदिन पानी अलवर शहर की जनता को मिले, उसके लिए हमने विशेष रूप से माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है। और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जिसका बहाना जलदाय विभाग लेता है, वहाँ टैंकर से पानी पहुँचाया जाए। स्थिति यह है कि ना तो टंकी का पानी पहुँच रहा है, ना टैंकर्स के पानी पहुँच रहा है और जो बोरिंग कभी ख़राब हो जाती है वो 10-10 दिन में बोरिंग ठीक नहीं हो रही। इन सब बातों को लेकर के आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप संबंधित जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करके इस अव्यवस्थित पेयजल व्यवस्था को सुचारू करें और अलवर शहर के प्रत्येक वार्ड में, अलवर शहर के जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं, चाहे वो दिवाकरी हो, बेराका हो, हमारा भूगोर हो, उसके साथ हमारे जो 65 वार्ड हैं, वहाँ आम जन को प्रतिदिन पानी मिले उसको सुनिश्चित करें, वरना भारतीय जनता पार्टी 5 दिन बाद अलवर शहर की सड़कों पर उतरेगी और एक विशाल धरना कार्यक्रम हम लोग जनहित में करेंगे जिसकी सीधी सीधी जो जिम्मेदारी होगी वो जिला प्रशासन की। देखिए, आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे शहर विधायक संजय शर्मा जी और जिले के हमारे पदाधिकारी, पार्षदगण और हमारे नगर परिषद के उपसभापति सब लोग मिलकर यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है पानी की समस्या के लिए। शहर में जिस तरह से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गहराई हुई है और हर मोहल्ले से, हर वार्ड से लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं पानी के लिए, बाहर अधिकारियों से प्रयास कर रहे हैं पानी के लिए, प्रार्थना भी कर रहे हैं और अपने मटकियां भी लेकर लोग बाग, महिलाएं, माताएं, बहनें बाहर आ रही हैं, रोड पर आ रही हैं, लेकिन जो वाटर वर्क्स का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे कि पानी की समस्या आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। उसके लिए बराबर विधायक जी के पास भी लोगों के दिन रात टेलीफोन पर टेलीफोन आते हैं और इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए, हैंड नए नए ट्यूबवेल्स लगाने के लिए सारे व्यवस्थाएं करी हैं जो आपको भी विधायक जी बता भी देंगे, लेकिन प्रशासन में जो वाटर वर्क्स का जो डिपार्टमेंट है वो इतना मक्कार हो गया है कि वो टेलीफोन बंद करके रखते हैं JEN AEN अधिकारी सारे, जिससे कि कोई अगर किसी को समस्या हो तो उसका समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो अनऑथराइज दुनिया भर के कनेक्शन हुए पड़े हैं, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारी जगह लीकेज इतना ज़बरदस्त हुआ पड़ा है कि जो पानी वेस्ट जा रहा है, मतलब अनेकों अनेक समस्याएं जो उनके 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 हैंड पर हैं जिनसे कि सुधारा जा सकता है। पानी के अगर टाइम टेबल वाइज सेट कर दिया जाए कि भाई हमको 1 घंटा पानी प्रत्येक मोहल्ले में या प्रत्येक वार्ड में देना है ट्यूबवेल के माध्यम से कैसे भी, तो वो हो सकती है, लेकिन कहीं तो 1 घंटा पानी आ रहा है या कहीं 4 घंटे पानी आ रहा है या कहीं 5 मिनट भी पानी नहीं आ रहा, 10 मिनट भी पानी नहीं आ रहा, तो ऐसा बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है।
उसके लिए हमने 5 दिन का समय दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम ज्ञापन में कि 5 दिन में या तो ये समस्याओं का समाधान हो जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के यहाँ के पार्षद, शहर विधायक जी के साथ साथ हम सब लोग एक बड़ा आंदोलन के रूप में एक धरना देंगे और उसके बाद जो भी होगा वह उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा।